आज को इस कॉन्फ्रेंस को करने का जो हमारा उद्देश्य है, ये हमारा जो चैनल है सिने स्पाइडर वेब फिल्म प्राइवेट लिमिटेड, अभी एक इस चैनल इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू हम एक फीचर फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका टाइटल है रेपिस्ट डेथ, और उसके लिए हमें नए कलाकार चाहिए जिसके बारे में आपको पूरी ब्रीफिंग कल्याण जी करेंगे। नहीं, आप हेल्पलाइन नंबर एक दे दीजिए। जी, इसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9987788853, और एक और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9264185555। दोस्तों, आप सभी को एक नया जो कलाकार है, जो नए लोग हैं, जो नए कलाकार जो धक्का खाते हैं आदर्श नगर में या मुंबई सिटी में, हर गली में, मोहल्ले में, हमारी इंडस्ट्री में, तो वो जो धक्का खाते हैं वो धक्का आपको नहीं मिलेगा कब वो खाने को, क्योंकि ये हमारी जो कंपनी है ये एक नया लोगों के लिए, नया कलाकारों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये कंपनी शुरू हुआ है। आप सभी से विनती है, जो नंबर भाई ने दिया है उस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, आपकी एक फ़ोटो खाली, सब फोटो नहीं, एक फ़ोटो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपसे मैं विनती कर रहा हूँ, जो धक्का आप खाए हो यहाँ पर वो धक्का आपको नहीं मिलेगा, और किसी को भी अगर इस प्रोडक्शन हाउस के साथ में जुड़ना है या जुड़ के काम करना है, आगे बढ़ना है, तो किसी को फाइनेंस करना है या किसी को दो पैसा लगाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। आप सभी से विनती कर रहा हूँ, और थैंक यू सो मच। आज धनतेरस है, आप सभी को, सभी के घरों में धन बरसे, सभी की मतलब जो भी है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी के घर में धन बरसे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये हिंदू का ये त्यौहार है, ये सबका त्यौहार है, ये सब भाईचारा का ये त्यौहार है, और इलेक्शन जीत गया है शिवसेना और बीजेपी, तो उनको भी मैं बधाई देता हूँ जो बीजेपी और शिवसेना को एक अच्छा सरकार बने, एक अच्छा सभी को अपना अपना काम करे। धनतेरस एक ऐसा हमारा त्यौहार है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में, जो धन को पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता को ये पूजा करते हैं, उसके बाद साथ साथ में गणपति भगवान को और सरस्वती माता को ये पूजा करते हैं, तो हर घर में आज पूजा है। तो आप सभी मीडिया वाले को मेरा दिल से मेरा प्रणाम, और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन, इन एडवांस हैप्पी दिवाली, और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ मीडिया को और रिम्पी श्रीवास्तव को जिन्होंने मुझे एक मौका दिया है एक एज ए एक्टर काम करने का। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने दम पे इस मुंबई सिटी में, इस मुंबई शहर में एक बहुत ही खूबसूरत एक वेब सीरीज उन्होंने लॉन्च किया है ये मार्केट में, जिसका नाम है बेबी बॉस। बेबी बॉस इतनी खूबसूरत वो वेब सीरीज है, और उसको लोग मोहब्बत दे रहा, धमाल मचा रहा है वो यूट्यूब के अंदर। रिम्पी श्रीवास्तव उसका लेखक है और प्रोड्यूसर है, साथ साथ में एक्टिंग उन्होंने किए है, और उनको बहुत सारे धोखा मिला जिंदगी में, लेकिन वो कभी हार नहीं माना, उनकी जिंदगी में, उनके जहन में, उनकी किस्मत में कभी हार बोल के चीज़ लिखा नहीं है, कभी भी चीज़ लिखा है बी पॉजिटिव, वो कभी भी दिल से बी पॉजिटिव काम करते हैं। और मैं आज धनतेरस के दिन इतना ही मैं दुआ करता हूँ, जो रिम्पी श्रीवास्तव को कोई एक अच्छा प्रोड्यूसर मिल जाए, और उनकी जो मन में जो बहुत सारी चीज़ करने का है, इंडस्ट्री के लिए कुछ करने का है, वो सब उनको सफल मिले, सफल हो। और उसके साथ साथ में आज हमारे साथ में जुड़े हैं मेरे रईस खान साहब, जो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है, बहुत अच्छे इंसान है, मेरे दोस्त है, उन्होंने मेरे आज इस कार्यक्रम में वो आए हैं, और उसके साथ साथ मेरे बाजू में ये बैठे हैं मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई, जिनका नाम है अशफाक शेख साहब, जिन्होंने बहुत सारे काम किया इंडस्ट्री में, तमाम बड़े बड़े काम किया है, भट्ट साहब के साथ काम किए, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किए हैं, और अभी मेरी एक फिल्म उन्होंने वो करने जा रहा है, और उसके किया है साथ साथ में दो फिल्म और भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में हमारे साथ में आए हैं एक ऐसे डॉक्टर, जो डॉक्टर कभी हार नहीं माना है, डॉक्टर इसलिए हार नहीं माना क्योंकि डॉक्टर कभी हार मानता नहीं है, डॉक्टर हमारा भगवान होते हैं, लेकिन ये डॉक्टर जो दुनिया के डॉक्टर जो काम करते हैं उनसे अलग ही काम करते हैं, जिसका नाम है मुकेश भाटिया। ये हेल्थ वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी चलाते हैं मुकेश भाटिया, जो अपनी जब सब डॉक्टर बोल देते हैं भाई ये इलाज मेरे पास नहीं होता है, तो वो बोलते हैं ये इलाज मेरे पास होता है, तो ऐसे डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है, जो गेस्ट आए हैं यहाँ पर, और बाकी तमाम यहाँ पे मीडिया कर्मी, तमाम यहाँ पे और भी दोस्त लोग आए हैं मेरे, और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ अशफाक साहब को। अशफाक साहब का एक शूटिंग था आज, लेकिन वो शूटिंग दिन में था, लेकिन बाद में बोला कल्याण जी मैं दिन में नहीं है, वो मेरा शाम को है, एंड थैंक
थैंक यू सो मच, आपका मन थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए हैं। और दूसरा रेस भाई जो यहाँ पर आए हैं एज ए गेस्ट, और थैंक यू सो मच, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ रिम्पी श्रीवास्तव को, जिनकी वजह से हम यहाँ पे एक साथ में इकट्ठा हुए हैं। और बेबी बॉस एक बेहतरीन कॉमेडी तड़का धड़का वो एक वेब सीरीज है, प्लीज आप लोग उसको देखिए। और सबसे बड़ी बात है सीनेस प्राइड जो एक ऐसे एक कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके इसी नाम से हमारे यूट्यूब पे चैनल भी है, तो प्लीज आप लोग इसको देखें। बहुत सारे काम, बहुत सारे नया नया शो, बहुत सारे नया नया वेब सीरीज इस कंपनी से शुरू हो रहा है। आप सभी से विनती कर रहा हूँ, जो लोग, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो लोग घूमते हैं गली गली में मुंबई शहर में, जो लोग गली गली में काम मांगते हैं, जो काम नहीं मिलता है, हमारे गुरुजन, हमारे एक अच्छे प्रवक्ता है, अच्छे एक्टर है, अच्छे समाज सेवक है, एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे पिता समान, एक मतलब अपने बेटा को अच्छा बेटा मानते हैं, ऐसे पिता समान एक पिता हमारे एक बॉलीवुड के जाने माने एक्टर जिसका नाम है रमेश गोयल, जिन्होंने 400 फिल्म में काम किया, वो भी हमारे बीच पधारे। तो मैं सभी को दिल से धन्यवाद करता, बस खाली इतना ही बोलना है, आप जो भी आज धनतेरस से दिवाली है, आप सभी से विनती कर रहा हूँ, रिम्पी श्रीवास्तव जो आपके कैमरे के सामने नहीं आ रहे, बस उनको आशीर्वाद दे, उनको दुआ दे, उनकी मन में जो भी काम है वो सफल है, क्योंकि उनको बहुत धोखा मिला है, मैं चाहता हूँ अब उसको धोखा ना मिले, उनको एक अच्छा वो काम करें, नाम कमाएं, और अगर वो नाम कमाएंगे, वो काम करेंगे, तो हम कम से कम 200 लोगों का घर चलेगा, चूल्हा चलेगा। तो प्लीज़ आप सभी से विनती, दुआ करें आज धनतेरस से, उनको धन बरसे उनके घर में और उनके हर काम में। एंड थैंक यू सो मच ऑल गेस्ट, मीडिया पार्टनर, मीडिया, और उनके साथ में अगर किसी जुड़ना है एज ए प्रोड्यूसर, एज ए फाइनेंसर, आप जुड़ सकते हैं। वो जुड़ने के लिए एक और एक हेल्पलाइन आपको दे रहे हैं, कोई भी प्रोड्यूसर जो बोलते हैं मेरा पैसा खा लिया, मेरा फिल्म नहीं बना पाया, अब यहाँ आइए, लगाइए पैसा, आपका पैसा मान्य होगा, आपका पैसा आपको मिल जाएंगे। तो आपसे विनती कर रहा हूँ, किसी को भी पैसा लगाना है, किसी को भी जुटना है, जुड़िए, कोई भी कलाकार काम करना है तो प्लीज काम कीजिए। आपको फिर से एक हेल्पलाइन नंबर आपको दे रहा है, दो हेल्पलाइन नंबर प्लीज सर, फिर से एक बार, 9987788853, व्हाट्सएप नंबर है 9264185555। काम करना है तो भाई कॉल कीजिए, ऐसा नहीं है बार बार कॉल करोगे, तंग करोगे, वो मत कीजिएगा, काम करना है तो प्लीज़ आप एड्रेस लीजिए, आपको एड्रेस एसएमएस कर देंगे, आप आइए। ऑडिशन शुरू हो रहा है दिवाली के बाद, क्योंकि दिवाली 2 दिन का है, दिवाली के बाद हमारा ऑडिशन ये शुरू है, उस दिवाली के बाद आपको बहुत ही अच्छा अच्छा यहाँ पर 3 से 4 वेब सीरीज और एक बेहतरीन एक खूबसूरत एक फिल्म जो शुरू हो रहा है, आप सभी से विनती है आप लोग आइए, ऑडिशन दीजिए। ऑडिशन का वो टाइमिंग होगा 12 से लेके 4 बजे तक, कभी भी मत आइए, शाम को 8 बजे आप आ जाओगे, टपक जाओगे, तो प्लीज़ आपसे विनती है 12 से लेके 4 बजे तक ऑडिशन का टाइमिंग होगा, और कॉल का भी वो टाइमिंग वही होगा, आप कभी भी कॉल करोगे रात को ये 12 बजे मुझे काम करना है भैया, मुझे काम करना है, नहीं 4, 12 से लेके 4। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज डायरेक्टर, मेरे गुरुजी, मेरे बड़े भाई आसपास भाई, प्लीज। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं अपने स्पाइडर वेब फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके लिए हम लोग आए हैं, आज इसकी ऑफिस की ओपनिंग है, और मैम श्रीवास्तव जी हैं, इनके लिए हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं, इसका नाम अभी उसने बताया है रेपिस डेट। तो वो फिल्म बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, और बाकी सारी चीज़ें तो कल्याण जी ने बता दिया आप लोगों को। जब मैं इनके पास मैं किसी के जरिए से मैं आया हूँ, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, उनकी मैं जरिए से आया है, तो मैडम के पास मैं जब आया तो मैडम का मैं देखा इनका जो काम करने का तरीका है, मतलब काम खत्म ये लो पैसा, काम खत्म ये लो पैसे, तो इनका स्वभाव, इनका विचार, उनका उद्देश्य बहुत अच्छा है, तो मैं मिला तो मुझे एक उन्होंने एक मौका दिया बेबी बॉस में काम करने के लिए एज ए एंकर, उसमें मैंने काम किया, और इसमें हमारे रमेश गोयल साहब भी है, के गोस्वामी, काफ़ी लोग हैं उसमें काम किए, तो मैं उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया गया, कल्याण जी हम फिर से एक हम शुरू कर रहे हैं तो प्लीज़ आप आइए, तो मैंने आया तो मैडम आपके साथ में हूँ, तो वो ये हो रहा है, तो उसके बाद मेरे जो अभी मेरा अवार्ड शो हुआ है दास फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म, तो
उसमें मैडम को मैंने इनवाइट किया था, लेकिन मैडम मुंबई में नहीं थे तो वो बाहर थे। तो आप सभी की दुआ, आप सभी के आशीर्वाद और मेरे गुरु जी का आशीर्वाद से वो शो मेरा सक्सेस हुआ। लोगों ने बोला जो कल्याण जी आपने कुछ करके दिखाया, तो मैं सबसे पहले मैं मीडिया को मैं धन्यवाद करता हूँ, जो मीडिया रात की 11 बजे तक 12 बजे तक रुक के मेरा इंटरव्यू लिया। एंड थैंक यू सो मच अशफाक साहब, जो पिछले एक महीने से मेरे साथ घूम के ये शो को सक्सेस बनाया। हाँ, बेसिकली लीड हो क्या हो वो सब कुछ आपको बाद में आपको मालूम पड़ेंगे। फिल्म के बारे में ये जो भी है, हमारे एक नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा फिल्म का, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसमें आपके आर्टिस्ट कौन है, फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म में कौन कौन कलाकार हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आज का हमारा ऑफिस का उद्घाटन था। एक छोटा सा हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रखा है, और क्योंकि धनतेरस है, धनतेरस में हर इंसान एक अच्छा काम करते हैं एक, तो इसलिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। बाकी आपको आगे का नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। जी, जो सिने स्पाइडर इसके थ्रू सिने स्पाइडर के बना, पहले 3 हिंदी फिल्म बना है ऑलरेडी, वो 2020 में आने वाले हैं। उसके साथ साथ और 2 फिल्म बनने जा रहे हैं। वेब सीरीज बना है बेबी बॉस, उसके साथ साथ में और भी 3-4-5-6 वेब सीरीज बन रहे हैं। फ्यूचर फिल्म तो बनेगा ही, मतलब ये ऐसा कंपनी है जो ये कंपनी बोलते हैं जो मधुर भंडारकर की तरह, जो भाई गरीब मतलब जो नया कलाकार होते हैं उनको काम देते हैं जैसा, तो ये ऐसा है एक नया जो कलाकार होते हैं जो ठोकर खाते हैं, क्योंकि रिम्पी श्रीवास्तव भी ठोकर खाया है, तो वो चाहता है जो ठोकर खाया है उसको हम इस कंपनी के माध्यम से इस प्रोडक्शन का ये माध्यम से काम मिले, नाम कमाए, जो घर पे बोल के आता है अपने पिता माता को जो भाई मैं मुंबई जा रहा हूँ मैं स्टार बनने के लिए, हीरो बनने के लिए, तो उनका जो वो जो बोल के आते हैं इसके बाद जो काम नहीं मिलता है तो वो उनको सफल एक सुनहरा ऑफिसर। देखिए, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जितने भी नए कलाकार हैं वो आए जुड़े और उनको काम करने का मौका मिलेगा, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, और सभी को, सभी नए जुड़ने वाले कलाकारों को मेरी तरफ से स्वागत है उनका। सर, यहाँ पे एक बात, जब भी लोग गाँव से या कहीं निकल के यहाँ आते हैं मुंबई में, लोग ये कहते हैं कि ठगी बहुत होती है यहाँ पे, तो लोग कैसे विश्वास करें आपके ऊपर, कैसे फेथ करें कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा, मेरे पैसे सेफ है या मेरा जो भी कुछ है। मैं एक काट रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा बोला आपने, मैं आपका काट रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ, आइए आइए, मैं इसके लिए फ्री ऑडिशन है, फॉर्म फीस नहीं है। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि फ्रॉड होता है। देखिए, इंडस्ट्री में जो भी आपको काम मिलता है, आप भी जानते होंगे कि ऑडिशन के थ्रू ही मिलता है, तो हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई ऑडिशन के लिए फीस या इससे रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई बात नहीं होती है। आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, आप ऑडिशन दीजिए, ऑडिशन बेस पे अगर आप हमारे करेक्टर में सेटिस्फाई होते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। लोग कहते हैं ना, जो कला है तो आपको इंडस्ट्री में मौका मिलता है, तो ये अगर कला है तो आपको ये यहाँ से आपको काम मिलेगा। उसके साथ साथ बहुत लोग 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 फॉर्म का लेता है, यहाँ पर कोई फॉर्म का फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कला है तो आ जाओ इंडस्ट्री में, सिर्फ आपको सिर्फ कला चाहिए। आप चाहे आप कैमरामैन हो, चाहे आप स्पोर्ट बॉय हो, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप लाइट मैन हो, आपको लाइट उठाने को नहीं आता और आप काम करोगे लाइट गिर वो गिर जाएगा भैया, 3 लाख रुपए खर्चा हो जाएंगे भैया। कैमरामैन हो और कैमरा चलाने को वो आ नहीं आ रहा, कैमरा गिर गया, तो हर इंसान कला होता है। कला अगर है आपके अंदर, आपको वेलकम है इंडस्ट्री में। ना कोई कला, ना कोई गोरा, ना कोई पतला, ना कोई मोटा दिखता है, ना कोई दिखता है धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देखता है इससे पर कला, तो कला है तो आप आइए आइए, आपको वेलकम है। और हमारे रिम्पी श्रीवास्तव जी है, हमारे जो प्रोड्यूसर है, हमारे जो ये इसका मेन जो हमारा अध्यक्ष है, ये बहुत ही बेहतरीन है एकदम, ये सिर्फ देखता है भाई कला है तो आपको अंदर एंट्री मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धनतेरस, आप सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज का दिन बहुत शुभ दिन है, धनतेरस का दिन है, लक्ष्मी का दिन है, दिवाली का दिन है, सबके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मीडिया को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, एक्टर सबको मुबारकबाद इस त्यौहार की। और मेरे आने से पहले यहाँ भी काफ़ी कुछ बोला जा चुका है, फिल्म के बारे में, वेब सीरीज़ के बारे में बताया जा चुका है,
तो मैं न ज़्यादा बोलते हुए प्रोड्यूसर इम्प्रेस श्रीवास्तव स्पार्क साहब को जो है डायरेक्टर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जो बैनर है सिने स्पाइडर वेब फिल्म प्राइवेट लिमिटेड, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, पूरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, सबसे पहले मैं धनतेरस की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं तो वैसे कल्याण जी का दोस्त हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ थोड़े समय से। कैरेक्टर की मैं ब्यूटी और हेल्थ के बारे में थोड़ी केयर करता हूँ, मेरा काम हेल्थ एंड ब्यूटी केयर का है, हेल्थ वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड नाम से काम करता हूँ। कल्याण जी कोई नई एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग मिलते हैं और बातचीत करते हैं, क्योंकि करियर की हर एक कोई इच्छा है। तो करियर जिसे मिल रहा है और एक नए प्लेटफॉर्म सिने प्राइडर स्पाइडर के नाम से जो ओपन हुआ है, तो इसे भी मैं शुभकामना देता हूँ। और रिंकी मैम को खास तौर पे जो नए कलाकार को चांस दे रही है, तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। बस सभी को मुबारक। जी सर, सबसे पहले तो आप सबको नमस्ते और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। मैं एज अ एक्टर सीनी स्पाइडर वेब फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ रहा हूं और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि काम करके बहुत ही अच्छा लगेगा। और थैंक्स अ मिलियन कल्याण जी जाना सर को, बहुत ही अच्छे, बहुत ही हम्बल, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और इनकी वजह से मुझे यहाँ पे मौका मिला है। थैंक यू। हमारे सीनियर एक्टर्स बैठे हुए यहाँ पर, क्या बोल सकता हूँ। और नमस्ते सारे लोगों को यहाँ पे, कल्याण जी जाना जी हैं, रमेश गोयल जी हैं, थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया अब हमारे साथ हैं और सीनियर स्पाइडर में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग एक एक्टर के रूप में कॉमेडी एक्टर हूँ। ओके एवरीवन, माई नेम इज सी बी आई, मतलब मेरा नाम चतुर्भुज अय्यर है, मैं बहुत चतुर, बहुत चालाक हूँ। ओके राइट, और मैं आगे ये कहता हूँ सीनियर स्पाइडर के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स, और सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं ये कल्याण जी जाना के देता हूँ। ये हमें इत्तेफाक से कहाँ मिले थे आप सर? आदर्श नगर में मिल गए थे, एक नगोरी के चाय वाले के पास। और इनसे इनको मतलब रमेश गोयल जी बोले कि आप इनको पहचानते हैं? मैं बोला नहीं पहचानता हूँ। बोले कि आप इतने फिल्म इंडस्ट्री में इतने जो मतलब दिन से जुड़े हुए, आप इनको नहीं जानते हैं, बच्चा बच्चा इनको जानते हैं। मैं बोला तो सॉरी मैं नहीं जानता। फिर ये हुआ इत्तेफाक से अपना परिचय दिए, गूगल पे दिखाएं और सारे वेब सीरीज़ पर दिखाएं, भाई हमारे ये बने, ये बहुत सारे काम किए हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, अपने नंबर दिए, 25 तारीख हमारा कुछ ओपनिंग है सीनियर स्पाइडर का, आप वहाँ बोले ठीक है मैं आऊँगा। और मैं यहाँ आया, यहाँ अगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सारे मीडिया वाले और रमेश गोयल जी हैं, बहुत आमिर खान साहब और बहुत बड़े एक्टर्स दिलीप साहब जो अपने ज़माने के बहुत सुपर डुपर, कहने क्या उनको फिल्म इंडस्ट्रीज में, उनकी बात ही क्या, उनके साथ काम कर चुके हैं, बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही तजुर्बा, तो इनके इनसे मतलब हमें सीखने को मिलेगा। हम लोग तो खैर इसमें अभी कदम ही रखे हैं। ओके सर, थैंक यू। की बात कर रहा हूँ मैं सर, सुना काफ़ी सक्सेस हम लोग वहाँ पे थे, क्या कहेंगे सर उसके बाद? सबसे पहले मेरे मीडिया को, मेरे सपोर्टर को, मेरे को ऑर्गेनाइज़र को, उसके साथ साथ जो आसपास से एक साहब था वो डायरेक्टर, उन सब वो सभी को दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ में मेरे जो स्पॉन्सर्स है, मतलब जो मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि उनके बिना मेरा शो नहीं होता, तो उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। 24 दिसंबर को मेरा एक शो हो रहा है जो 5 साल से मैं कर रहा हूँ, ये मेरा 6th ईयर है। शो का नाम है दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड। ये मीडिया को मैं अवार्ड दे रहा हूँ, मतलब जितने भी जो जो मीडिया आज कैमरा ले वो लेके घूमते हैं और उसको आज बड़े बड़े प्रोग्राम में वो कैमरा लेके पकड़ा हुआ है 3-3 घंटा, वो 4-4 घंटा, लेकिन उसको पानी भी नहीं मिलता है। तो ऐसे कैमरामैन को, ऐसे रिपोर्टर को हम उसको सम्मान कर रहे हैं। और ये शो का नाम है दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड, जो पिछले सर से मैं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए। और ये शो होगा रंग सरदा बांद्रा में, जो अभी मैंने शो किया था वहाँ पर है। और लेकिन इसमें ज़्यादा करके मैं मीडिया को ज़्यादा मैं अवार्ड दे रहा हूँ, और साथ साथ में भोजपुरी और हिंदी, ये तमाम सब मिक्स मतलब ये अवार्ड होगा। और बस और कुछ नहीं, बस आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का दुआ ऐसे ही बना रहा, जैसे आपने दास है फाल्के आइकॉन अवार्ड हिट किया है, ऐसा मेरा ये भी शो मुझे मेरा हिट कराइए। थैंक यू सो मच। फिल्म
I'm really sorry sir, मैं फिल्म नहीं बना रही हूँ. सबसे पहले हाथ जोड़ के मीडिया को नमस्कार करना चाहूँगी, उसके बाद मैं अपनी टीम को नमस्कार करना चाहूँगी, उसके बाद जितने हमारे फैन हैं ऑडियंस हैं उनको नमस्कार, और धनतेरस की बहुत सारा प्यार और शुभकामना देना चाहूँगी. मैं एक की मूवी है कंपनी सीने स्पाइडर वेव फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी एक फिल्म में काम करने के चांस दे रही है जिसका नाम है रपिस डेथ. उसमें जैसे कि कल्याण जी ने बताया वो हमारे रमेश जी सर हैं और एज ए लीड मैं भी कर रही हूँ उसमें, उस मूवी में. तो अभी ज़्यादा ओपनली मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि स्टोरी मालूम नहीं है ज़्यादा, और ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं रहेगा. बस इस कंपनी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो कंपनी ने हमें चांस दिया है काम करने का. चलिए ठीक है.